एक फिल्म ने लिखा इतिहास, एक फिल्म की कहानी पर बनी तीन फिल्में, और ये तीनों फिल्में ने बनाया किसी को सुपरस्टार, किसी को स्टार, तो किसी को सुपर फ्लॉप एक्टर। तो आइए हम जानें ये कौन सा फिल्म है जिसने तीन सितारों का जिंदगी बदल दिया। ये फिल्म है 1983 की फिल्म हीरो। हीरो सुभाष गई ने डायरेक्ट किया था एंड प्रोड्यूस किया था। हीरो से इन्होंने जैकी श्रॉफ एंड मीनाक्षी सेसाद्री को लॉन्च किया था। ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी और इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारे। इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्ट किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जिन्होंने काफ़ी यादगार मूवी दी है और इस फिल्म के सारे गाने काफ़ी ही अच्छे बने हुए हैं। तो इस फिल्म से जो 1983 में हीरो फिल्म आई, इससे जैकी श्रॉफ स्टार बन गए और उसके बाद वो हिंदी फिल्म जगत में आज तक सक्रिय हैं। वो लीड एक्टर के रूप में हैं, सपोर्टिंग लीड एक्टर के रूप में हैं। और इसी फिल्म का रिमेक 1984 में विक्रम फिल्म के नाम से बना, जो तेलुगु स्टार ने बनाया। वो तेलुगु स्टार हैं नागार्जुना। नागार्जुना विक्रम फिल्म से डिब्यूट किया और आप और हम जानते हो कि इस फिल्म के सफलता के बाद नागार्जुना आगे ही बढ़ते गए और वो तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार हो गए। और नागार्जुना आज तक 84 से लेके आज तक वो फिल्मों में सक्रिय हैं एंड एज ए एक्टर अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। 2015 में सलमान खान एंड सुभाष गई ने एक बार फिर से हीरो फिल्म को रीमेक बनाया और इस फिल्म में आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को लॉन्च किया गया। ये फिल्म 1983 हीरो फिल्म का रीमेक था, लेकिन ये फिल्म ना तो दर्शकों को अच्छा लगा ना ही क्रिटिक्स को अच्छा लगा और ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। और इसी फिल्म के साथ आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली भी सुपर फ्लॉप हो गए और 2015 के बाद 2021 तक ये एदा कदा एक दो फिल्मों में ही दिखे हैं और इसके अलावा किसी और फिल्म में नहीं दिखे हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक फिल्म की कहानी तीन स्टार पर किस तरीके से इम्पैक्ट किया। किसी को सुपर स्टार बना दिया, किसी को स्टार, तो किसी को असफलता का मुंह दिखाया। तो ये था आज की पेशकश। और अगर ये वीडियो आप अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि बॉलीवुड एंड टॉलीवुड से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, यादगार इन्फॉर्मेशन होगा, यादें होंगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू।